हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्लॉग विद तनुजा। आज मैं खेतों की तरफ आई हूँ, कुछ धनिया के पत्ती भी तोड़ लूँगी, लहसुन की भी। और आंटी जी हमारी रुपाई कर रही हैं, प्याज लगा रही हैं, तो दिखाते हैं। आंटी जी प्याज की रुपाई कर रही हैं। पहले तो बीजों को लगाया था, छोटे छोटे पौधे बन गए, अब उसको निकाल के इस तरह से लगा रही हैं प्याज। ये देखिए, आंटी जी कैसे लगाते हैं प्याज का ये? देखो, प्याज पहले उपाट लो, उसके पलाई काट दो, तब खेत में एक क्यारी बन जाता है, तब इसमें बैठ के लगा लो। अच्छा, ये तो ये निकाले। पूरा लगा दिया है प्याज। हाँ, और ये देखिए, इधर भी काफी बड़े बड़े हो गए हैं ये प्याज। लहसुन है। लहसुन है ये देखिए कितने, जब इसको निकाला जाएगा जड़ से तो काफी बड़े बड़े लहसुन निकलेंगे, अच्छी अच्छी गांठें निकलेंगी। ये आपको दिखाते हैं कहाँ आंटी जी ने और भी रुपाई किया हुआ है। ये पूरा लहसुन, ये प्याज, ये पूरा प्याज बो रखी है आंटी जी। ये मक्का भी लगा रखी है। ये पूरा कितना अच्छा लग रहा है, पूरा हरियाली हरियाली। ये लहसुन देखिए कितना बड़ा हो गया है, इसके पहले मैंने आपको दिखाया था तो लहसुन बहुत छोटे छोटे थे, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक। ये पूरा लहसुन, इधर धनिया लगा हुआ है, पूरा लहसुन लगा देखिए पूरे खेत में। बिल्कुल खाएंगे आज लहसुन की सब्जी। जी ये चुकंदर भी देखिए हमारा बड़ा हो रहा है, ये चुकंदर। अब मैं थोड़ा सा धनिया तोड़ लेती हूँ। धनिया भी देखिए कितना अच्छा हुआ है। मैंने धनिया की पत्ती और लहसुन की पत्ती तोड़ ली है, अब चलते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ दही की कचौड़ी, तो बहुत अच्छी बनती है, बहुत ही क्रंची। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, मैं अब तैयारी कर लेती हूँ कचौड़ी बनाने की। फ्रेंड्स, दही के कचौड़ी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले चावल का आटा लिया है, 1.5 कटोरी ले रखा है अपने हिसाब से। और मैंने ये दही ले रखा है, दही का पानी मैंने पूरा निकाल दिया है, रात में ही इसको मैंने सूती कपड़े में बांध के टांग दिया था जिससे सारे पानी निकल गया है। और इसमें हम डालेंगे गाजर, मैंने घिस लिया है, मेरे पास दोनों गाजर थे, ऑरेंज वाला भी और रेड वाला भी, तो मैंने उसको भी घिस लिया है इसमें, मेरे पास था तो मैंने घिस लिया दोनों। और मटर और लाल हरी मिर्च और अदरक को मैंने कूट लिया है, प्याज, हींग और हरा धनिया। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जो है आटे का डो तैयार कर लेंगे। कचौड़ियों के लिए हम आटे का डो तैयार करेंगे। सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा अजवाइन मसल के, अपनी हथेलियों से मसल के इसमें डाल देंगे, और थोड़ा सा नमक, और इसमें थोड़ा सा तेल। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे हम।
इसको बढ़िया से इसको कर लेंगे ताकि काफी क्रंची बने चावल के आटे को। इसमें हम गरम पानी से गूंथ लेंगे, थोड़ा टाइट गूंथेंगे, कचौड़ियों के लिए आटा टाइट होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, गरम पानी, आटे का डो तैयार हो चुका है। अब हम इसको ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए ताकि सेट हो जाए अच्छे से। जब तक आटा मेरा सेट हो रहा है तब तक मैं इसकी तैयारी कर लेती हूँ भरने की। तो दही ले लूँगी और इसमें हींग डाल दूँगी, जीरा, कुटी हुई लाल मिर्च और ये अदरक और मिर्चे को हमने कूट लिया है, प्याज, गाजर, मटर और धनिया। और नमक स्वादानुसार। अब इन सबको हम मिला लेंगे। और थोड़ा सा काली मिर्च को मैंने कूट लिया है, काली मिर्च को ये भी डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे भरने के लिए कचौड़ियों में। ये मेरा तैयार हो चुका है और आटा भी मेरा सेट हो चुका है, आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। अब मैं बना लेती हूँ, अब इसको बनाते हैं। थोड़ा सा आटा लगा के इसको बेल देंगे। अब इसी के अंदर हम थोड़ा सा बीच में इसको रखेंगे। अब इसको गुजिया का शेप दे देंगे। इस तरह से हम सारे बनाएंगे। दूसरा भी बना के दिखाते हैं। उसको भी गोल बेल लेंगे। इसमें भी वैसे ही करेंगे जैसे मैंने पहले वाले में किया। और इसको भी फिर वैसे ही गुजिया का शेप दे देंगे देंगे। इसको हम चाहे तो थोड़ा सा ज़्यादा निकला हुआ है, इसको हम चाकू की सहायता से भी काट लेंगे ताकि देखने में भी अच्छा लगेगा। चिपक तो गया ही है ये। इस तरह से काट लेंगे, ऐसे भी काट सकते हैं अच्छे से, कोई भी शेप दे सकते हैं अच्छे से। हम गुजिया का शेप ही देंगे, अच्छा सा देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। और सारे मैं इसी तरह बना लूँगी। मैंने सारे भर लिए, गुजिया का शेप दे दिया है। अब मैं इसको तलने जा रही हूँ। कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी है, अब इसमें मैं तेल डाल दूँगी।
तेल गरम हो चुका है, अब मैं इसमें एक एक करके डालूंगी। आंच को एकदम धीमा रखूंगी क्योंकि मुझे इसे एकदम क्रिस्पी बनाना है, और दूसरा वाला भी। इसको एकदम ही धीमी आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे, तलेंगे, क्योंकि अंदर का जो मटर वटर जो भी पड़ा है वो गल जाएगा अच्छे से। मेरा ये खूब बढ़िया से क्रिस्पी हो गया है गुजिया, अब इसको हम निकाल देंगे। अब इसको भी डालेंगे इसी तरह। देखिए एकदम गुझिया की तरह लग रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। अब इसको भी ऐसे ही फ्राई कर देंगे, हम सारे ऐसे ही फ्राई कर देंगे, बढ़िया से तल देंगे इसको क्रिस्पी तक, पूरा जब तक क्रिस्पी ना हो जाए। इसको हम धीमे ही आंच पे तलेंगे, ज़्यादा धीमी भी नहीं, मीडियम रहेगा ताकि अच्छे से ये हो जाए, पक भी जाए अंदर का। ये भी हमारा तैयार हो गया, इसको निकाल लेते हैं। सारे निकाल लेते हैं। मेरी दही की कचौड़ी तैयार हो गई है गुजिया की तरह, और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप भी ट्राई कीजिएगा जैसे मैंने बनाया है। अब मैं इसको काट के दिखाती हूँ कि अंदर से कैसा दिखता है काटने पे। इसको आप चटनी से भी खा सकते हैं। ये देखिए, खाने में बहुत टेस्टी लगता है, एकदम क्रंची एकदम। सो प्लीज फ्रेंड्स, आप भी ट्राई कीजिए, जिस तरह से मैंने बनाया है उस तरह से आप भी बना के ट्राई कीजिएगा, बताइएगा कैसा बना है। बाय।